हेलो फ्रेंड, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हार्ड डिस्क के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक हार्ड डिस्क है, और अगर कोई चाहे लैपटॉप या कंप्यूटर का हार्ड डिस्क अगर ख़राब हो जाता है, कंप्यूटर या लैपटॉप में अगर शो नहीं करता है ये तो लैपटॉप का हार्ड डिस्क है, तो उस कंडीशन में हार्ड डिस्क को क्रॉस चेकिंग करना होता है। अगर हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम है तो हार्ड डिस्क चेंज करने से पहले सबसे पहले आप उसको आप नॉर्मली जो है उसको चेक कर सकते हैं, उसमें कोई कंपोनेंट ख़राब हो सकता है, और वो कंपोनेंट जो है आप उसको सही करके, मतलब वो कंपोनेंट लगा के आप उसको सही कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊँगा कि अगर हार्ड डिस्क में कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे चेक करेंगे। ठीक है, और अगर कोई कंपोनेंट ख़राब है तो उसको कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, और इसमें जो है ज़्यादातर कौन सा कंपोनेंट ख़राब होता है, तो सबसे पहले हम इस जो है ये हार्ड डिस्क का जो ये लॉजिक बोर्ड है इसको हम जो है बाहर निकाल लेंगे, इसको खोल लेंगे, और खोलने के बाद जो है फिर इसके जो है हम स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से कंपोनेंट चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, उसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए ये जो है लॉजिक बोर्ड है जो हार्ड डिस्क के ऊपर जो है लगा होता है। ठीक है, तो ये जो है इसमें अलग अलग टाइप के कंपोनेंट लगे होते हैं, जैसे कि आईसी हो गया, कैपेसिटर हो गया, ठीक है, क्रिस्टल हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, रजिस्टर हो गया। तो सबसे पहले हमें स्टेप बाय स्टेप चेक करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें जो है अगर ये हार्ड डिस्क काम नहीं करता है, अगर हार्ड डिस्क काम नहीं करता है तो उसके लिए जो है सबसे पहले हमें जो है कॉन्टिन्यूटी पॉइंट पर रखना है मल्टीमीटर को, और कॉन्टिन्यूटी पॉइंट पर रखने के बाद जो है इसके अंदर जो भी कॉम्पोनेंट लगे होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो है अलग अलग टाइप के कॉम्पोनेंट लगे हैं, तो जितने भी बोर्ड के अंदर नॉन पोलराइज जो कैपेसिटर होते हैं, ठीक है, उसको हमें ग्राउंड पे एक मल्टीमीटर का ब्लैक प्रोब को रख के, और ग्राउंड पे रख के कैपेसिटर को हमें चेक करना होता है। और कैपेसिटर जो है दोनों साइड से कोई भी कैपेसिटर बीप नहीं करना चाहिए। जहाँ पे लॉजिक बोर्ड में जो कैपेसिटर दोनों साइड से बीप कर रहा है, इसका मतलब है कि वो कैपेसिटर ख़राब है, उस कैपेसिटर को चेंज करेंगे और उसके वजह से हमारा जो बोर्ड है हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम आ रहा है उस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा वो। ठीक है, अगर कैपेसिटर भी ओके है तो फिर हमें क्या करना है कि जितने भी जो आईसी लगे है उसको नॉर्मली जो है हमें ये चेक करना है कि वो कोई डैमेज तो नहीं है, फूला तो नहीं है। उसके बाद से जो है ये कनेक्टर आप देख सकते हैं जिसमें जो है ये लॉजिक बोर्ड का जो कनेक्टर है वो मीडिया से कनेक्ट होता है, तो इस कनेक्टर को जो है आप हल्का से साफ करके थिनर से, और इसको इरेजर से या ट्वीजर चिमटी से या स्क्रू से इसको अच्छी तरह से साफ़ कर देंगे। इसके पिन में कार्बन आने की वजह से जो है ये प्रॉपर जो है कनेक्ट नहीं हो पाता है, ठीक है, लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ। तो इसको कनेक्टर को प्रॉपर साफ़ करना, आप थिनर से भी इसको अच्छी तरह से वाश कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमें क्लीन करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं ये जो थिनर से इसको क्लीन कर रहा हूँ पूरा। तो ये कनेक्टर को तो अच्छी तरह से साफ़ करना ही है, प्लस उसके साथ जो है बोर्ड के अंदर जो भी कंपोनेंट लगे हैं या आईसी लगा है उसके अंदर मॉइस्चर आ जाता है, उसके वजह से प्रॉब्लम आती है, कभी कनेक्ट होता है कभी नहीं होता है या प्रॉपर कनेक्ट नहीं होता है। तो उसको अच्छी तरह से आपको थिनर से जो है क्लीन करना है, साफ़ करना है इसको। ठीक है, और साफ़ करने के बाद जो है इसके जो भी ये कनेक्टर है, ये 15 पिन का जो पावर का कनेक्टर होता है, इसमें 3 और 5 वोल्ट की सप्लाई आता है, और ये 7 पिन का जो डेटा का कनेक्टर होता है, इसको जो है इरेजर से या ट्वीजर चिमटी से जो है इसको अच्छी तरह से क्लीन करेंगे, साफ़ करेंगे, मतलब उसके ऊपर जो कार्बन होगा उसको भी क्लीन करेंगे, क्योंकि वो जो कनेक्टर होता है ना 15 और 7 पिन का, उसमें जो है कार्बन आने की वजह से, अगर कार्बन आ जाता है तो उसके वजह से भी जो है कंप्यूटर में या लैपटॉप में जो हार्ड डिस्क कनेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो उसको क्लीन करना, तो इसको जो है थिनर से साफ़ करने के बाद जो है हमें क्या करना है कि इसको जो है अच्छी तरह से SMD से हल्का से इसको हीट करना है। ठीक है, जिससे कि जो भी हमने थिनर इस पर लगाया है तो वो थिनर प्रॉपर सूख जाए और जो भी आईसी या कंपोनेंट है वो प्रॉपर ड्राई सोल्ड हो जाए। ठीक है, तो इसको जो हमें एक एक करके जो है जितने भी कंपोनेंट है उस पर नॉर्मली जो है SMD से हमें हीट करना है। ठीक है, नॉर्मली हीट करना है, ज़्यादा हीट नहीं करना है, जितने भी कंपोनेंट लगे हैं इसको प्रॉपर हीट करेंगे। ठीक है, अगर ये करने पे भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो फिर हम क्या करेंगे कि जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं इस बोर्ड के अंदर, मतलब इस लॉजिक बोर्ड के अंदर, और वो कंपोनेंट देखने में ऐसे सही दिख रहा है, तो हमें क्या करना है कि एक एक करके जो भी ये बड़ी बड़ी जो आईसी है ना, जो चिप होता है, ये इस चिप को जो है हमें ड्राई सोल्ड करना है, मतलब इसको बाहर निकालना है चिप को, और चिप को बाहर निकालने के बाद जो है दोबारा उसको प्रॉपर जो है चिप को बैठाना है, निकाल के लगाना है, क्योंकि अगर ड्राई सोल्ड करने से, मतलब थिनर से साफ़ करने से, हीट करने से भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो जो भी कंपोनेंट है ना इस आईसी को, उसको निकाल के और
अच्छी तरह से इसको आईसी को निकाल के दोबारा प्रॉपर लगाना है, ठीक है। और लगाने के बाद जो है प्रॉपर दोबारा जो है इसको पैक करेंगे, और पैक करने के बाद जो है दोबारा जो है इसको हम चेक करेंगे। अगर फिर भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है तो उस कंडीशन में जो है आप क्या करेंगे कि लॉजिक बोर्ड अगर आपके सेम मॉडल का मिलता है, जिसमें जैसे कि अगर 500 GB है और अगर सीगेट कंपनी का है तो 500 GB सीगेट कंपनी का ही आपको लॉजिक बोर्ड चलेगा, दूसरे कंपनी का या दूसरी कैपेसिटी का लॉजिक बोर्ड आप नहीं लगा सकते हैं। तो इसको जो है प्रॉपर आप पैक करके और इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।